मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के खलवा थाना क्षेत्र के ग्राम खाल में खार में कुछ दिनों पहले दो पक्षों में विवाद हो गए थे, जिसमें दोनों पक्षों के लोगों को घायल होने पर खंडवा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद आवेदन निवेदन शुरू हो गए थे। आज बजरंग दल और ग्रामीण लोग ने एकजुट होकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा, किस लिए ज्ञापन दिया, पूरा मामला सुनिए। जैसा कि आप सबको संज्ञान में होगा कि हमारे हिंदू समाज के युवा को अभी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा घेर कर प्राणघातक हमला किया गया और यह घटनाएं यहाँ पर लगातार होती रही है। हम लगभग 6 महीने से देख रहे हैं, तो 6 महीने में ये तीसरी घटना है जब हिंदू युवाओं को चिन्हित कर उन पर प्राणघातक हमले किए जा रहे हैं और शासन प्रशासन के द्वारा सिर्फ उन लोगों पर धाराएं लगाकर कार्रवाई कर छोड़ा जा रहा है। क्या इससे ये जो उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ये रुक जाएगा? ये नहीं रुकने वाला। इसीलिए आज बजरंग दल के माध्यम से सभी ग्रामवासियों को साथ में लेकर मुख्यमंत्री के नाम हमने ज्ञापन सौंपा है कि जितने भी मुख्य आरोपी हैं इनके अवैध कब्जे हटाए जाएं, इनकी संपत्तियों की जांच की जाए और यहाँ पर जो लंबे समय से दूसरी जगह से यहाँ पर आकर निवास कर रहे हैं उनकी भी जांच की जाए कि वो यहाँ के निवासी है कि नहीं। जहाँ तक हमें खबर है कि दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर लोग आकर रह रहे हैं, तो बजरंग दल ने 48 घंटे का प्रशासन को समय दिया है, कभी हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। तो बजरंग दल के द्वारा चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा, इसमें चक्का जाम, नगर बंद और भी जिस तरह से उग्र आंदोलन करना होंगे हम करेंगे और इसकी संपूर्ण जवाबदारी जन धन की हानि की प्रशासन की रहेगी। क्या है सर आपका परिचय? आदित्य मेहता, जिला संयोजक बजरंग दल।